नमस्कार। तो पत्रकार दीपक चौरसिया ने अपना एक पुराना फोटो शेयर करा तो पब्लिक ने उन्हें जवाब में अजीब अजीब से शब्द कह दिए, कौआ पौआ इस टाइप के अलग अलग शब्द कह दिए। तो एक्चुअली मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। अभी कुछ समय पहले दीपक चौरसिया ने एक पोस्ट करा था, 500 साल का संघर्ष और आज अब ये घड़ी, रामलला अब अपने भव्य मंदिर में बस पहुंचने वाले हैं, मेरे राम आएंगे। मेरी ये तस्वीर 5 अगस्त 2020 की है, जिस दिन भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। मैं 90 की शुरुआत से अयोध्या जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी रामलला के दर्शन नहीं किए। सिर्फ इसलिए दर्शन नहीं किए क्योंकि मन में एक गुस्सा के साथ साथ असंतोष था, जो दिख रहा था कि भगवान राम को टेंट में देखने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। जो सृष्टि के रचयिता हूँ वो टेंट में रहें, ये कैसा हो सकता है। बहरहाल अब ये सुख घड़ी आ गई है। 22 को मैं स्टूडियो में व्यस्तता के साथ चलते अयोध्या नहीं रहूंगा, लेकिन अपने परिवार के साथ कुछ दिन बाद अयोध्या जरूर जाऊंगा। तो दीपक चौरसिया कहते हैं कि अभी 22 तारीख को मैं जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा पाएंगे। और दीपक चौरसिया को भाई न्योता भी मिला होगा, जब रूबिका लियाकत और एंकर्स को, सेलिब्रिटीज को, सबको न्योता मिला है, तो सिंपल सी बात लगती है मुझे, दीपक चौरसिया को भी न्योता मिला होगा। तो वे कहते हैं कि मैं उस दिन स्टूडियो में रहूंगा, तो उस दिन मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद भाई दीपक चौरसिया की पोस्ट डालने के बाद जवाब में यूजर्स ऐसा लिखते हैं। एक यूजर लिखते हैं, सर पीछे लिखा हुआ है फोटोग्राफी वर्जित, मीडिया में रहने का यही फायदा है, कोई ज्यादा रोक टोक नहीं होती। तो दरअसल फोटो में पीछे लिखा है कि फोटो खिंचाना वर्जित है, इस टाइप से लिखा है। और एक यूजर लिखते हैं, पैन किलर चौरसिया, राम कहाँ से आएंगे, राम कहाँ चले गए थे जो अब आएंगे, लगता है सुबह सुबह दो पैक ले लिए हो। एक यूजर लिखता है, प्राण प्रतिष्ठा है कोबे, श्राद्ध का खाना नहीं, जो मुंह उठा के वहां जा रहा है। एक यूजर लिखता है, पीछे तो देखो क्या लिखा है, फोटोग्राफी निषेध है। एक यूजर लिखता है, वो सब ठीक है कोवे, लेकिन जब भी जाना अपनी आदत अनुसार पौवा मारकर मत जाना, पाप लगेगा। दरअसल पौवा लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ साल पहले दीपक चौरसिया ने शराब पी करके अपने चैनल में एक एंकरिंग करी थी, जिसके बाद भाई न्यूज चैनल ने उनको शायद निकाल भी दिया था। हालांकि इस तरह की कमेंट्स किसी के लिए यूज करना गलत है, इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। खैर इन सबसे आगे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताता हूँ भाई, जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी थोड़ी। तो 30 साल से रामलला के लिए मौन है 85 साल की धनबाद की सरस्वती देवी। तो इनकी सरस्वती देवी जो है झारखंड से है, इनकी उम्र 85 साल है और ये पूरे 30 साल से मौन धारण किए हुई हैं और अपने परिवार से भी हैं, सिर्फ लिख करके बातें करती हैं। तो एक्चुअली में इनका ये है मानना था कि जब राम मंदिर बन जाएगा उसके बाद ही मैं बोलूंगी। इनके परिवार वालों का कहना है कि पिछले 30 सालों से सरस्वती देवी जो है मौन है, किसी से बातें नहीं करती, ज्यादातर समय वो तीर्थ स्थल में ही बिताती है, कभी कहीं जाती हैं मंदिर में घूमने, कभी किधर चले जाती हैं, इस तरीके से सरस्वती देवी हैं पूरे 30 साल से जो कि मौन है भाई, और अपने परिवार से वालों से भी बात ही सिर्फ लिख करके करती हैं। तो इनका कहना है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ये बोलेंगी 22 जनवरी को। हालांकि सरस्वती देवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर।